बॉलीवुड के लेजेंडरी आइकॉन्स में से एक अमोल पालेकर ने 10 साल से भी ज्यादा वक्त पहले एक्टिंग से अपनी दूरी बना ली थी, ये कहते हुए कि अब वो वापसी तभी करेंगे जब उन्हें कोई बहुत ही चैलेंजिंग रोल ऑफर होगा। Z5 की फिल्म 200 हल्ला हो से पालेकर साहब ने स्क्रीन पर बहुत जानदार कमबैक किया है। क्या आपको बताने की जरूरत है कि ये फिल्म कैसी है? 200 हल्ला हो उस रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जब नागपुर के कस्तूरबा नगर की 200 महिलाओं ने जिससे कोर्ट में अक्कू यादव नाम के एक आदमी की हत्या कर दी थी। फिल्म के एक सीन में इसके बारे में कहा गया है कि ये मर्डर नहीं था, एग्जीक्यूशन था, यानी हत्या नहीं मृत्युदंड। अक्कू यादव के बारे में मैंने पढ़ा कि उसने दलित डोमिनेटेड कस्तूरबा नगर एरिया में 40 से ज़्यादा महिलाओं के रेप किए थे। उसके ऊपर गैंग रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे कितने ही गंभीर आरोप थे। उसकी डेड बॉडी पर 70 से ज़्यादा जानलेवा इंजरीज थी और उसके जेनिटल्स काट दिए गए थे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ये सीन जब स्क्रीन पर क्रिएट होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। फिल्म में अक्कू यादव पर बेस्ड कैरेक्टर का नाम है बल्ली चौधरी, जिसे बहुत ही जानदार तरीके से प्ले कर रहे हैं साहिल खट्टर। इलाके का नाम बदल के कर दिया गया है राही नगर और रिंकू राजगुरु बनी है आशा, यानी वो लड़की जिसके रेजिस्टेंस से एरिया की बाकी औरतों को बल्ली के खिलाफ खड़े होने की ताकत मिलती है। ऐसा ही सुरेश पाटिल के रोल में है उपेंद्र लिंबिये। 10 साल से भी ज़्यादा वक्त तक बल्ली से सताए जाने के बाद जब अचानक ये महिलाएं आगे आकर उसके खिलाफ FIR करने लगती हैं और बल्ली के अगेंस्ट एक अपराइजिंग सी खड़ी हो जाती है, तो SI पाटिल की टीम बल्ली को लोगों से बचाने के लिए अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में बल्ली की पेशी के दौरान उसकी हत्या होने के बाद पाटिल की टीम गांव से 5 औरतों को उठा लेती है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है और इन 5 औरतों को ही बल्ली के मर्डर केस में प्राइम एक्यूज बनाया जाता है। वरुण सोबती का उमेश जोशी एक अपर कास्ट लॉयर है जो राही नगर के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंस देता है और अब इन 5 औरतों के केस लड़ रहा है। इंद्रिल सेल गुप्ता पुलिस ऑफिसर समीर देशपांडे बने हैं, जिसे बल्ली मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया है। और अमोल पालेकर बने हैं सेलिब्रेटेड दलित जज विठल दामड़े, जो हाईकोर्ट से रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इंचार्ज बनाया है। फिल्म की कास्ट पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इंचार्ज दामड़े साहब खुद दलित हैं, लेकिन वो इस केस के कास्ट एंगल पर फोकस नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपने डिसीजंस में कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी दलित आइडेंटिटी से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उनका मानना है कि उनका दलित होना उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स को भी ओवरशैडो कर जाता है। दूसरी तरफ आशा का मानना है कि जब दलित होने के नाते लोगों का हैरेसमेंट हो सकता है, तो फिर उनके आउटबर्स्ट के कारण हुए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में दलित एंगल को क्यों ना मेंशन किया जाए। अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु के जिस सीन में आपको ये कन्फ्लिक्ट नज़र आता है, वहाँ आपको देखकर समझ आएगा कि रिंकू राजगुरु कितनी जानदार परफॉर्मर हैं। भाई, अमोल पालेकर के सामने खड़ी हैं और अमोल पालेकर, उन्हें तो आप एक्टिंग से कितने भी साल दूर कर दीजिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की धार उतनी ही तीखी रहेगी। आशा और उमेश के बीच एक हल्का सा रोमांटिक एंगल भी है, लेकिन वो भी कास्ट पॉलिटिक्स से नहीं बच पाया है। उनकी कन्वर्सेशन को देखकर आपको ये चीज़ हिट करेगी कि हमदर्दी दिखाना और एक्सेप्ट करना दो कितनी अलग अलग बातें हैं। दलित महिलाओं के अगेंस्ट होने वाली एट्रोसिटीज़ को फिल्म इतने दमदार तरीके से रखती है कि आपकी आत्मा कांप जाएगी। लेकिन फिल्म में एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग भी है। बल्ली को इतनी पावर आती कैसे थी? पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ उसका नेक्सस कैसा था? वो क्या इवेंट्स थे जिसके बाद बल्ली एरिया के लोगों के सर पर चढ़ के बैठ गया? 15 सालों में कभी उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठी, और उठी तो उसका हश्र क्या हुआ? इन सवालों को अगर फिल्म एड्रेस करती तो मेरे लिए इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म हो सकती थी। लेकिन नैरेटिव का ये गैप व्यूअर को थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड छोड़ता है। डायरेक्टर सार्थक दासगुप्ता यहाँ पर थोड़े हल्के ज़रूर पड़े, लेकिन अभिजीत दास, सौम्यजीत रॉय और गौरव शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उनका स्क्रीन प्ले कहीं पर थोड़ा स्लो भले पड़ जाए, लेकिन इशू की सीरियसनेस कहीं पर भी हल्की नहीं होती। फ्लोरा सैनी हो, वरुण सोपती हो या इंद्रनील हो, एक एक एक्टर ने इस फिल्म में अपने काम को बहुत सीरियसली लिया है। 200 हल्ला हो एक बहुत ही सीरियस इशू और भयानक रियल स्टोरी पर बनी एक सॉलिड फिल्म है, जिसे इसकी शॉर्टकमिंग्स के बावजूद ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्मों का एक बहुत बड़ा अकाल है। हमारी तरफ से 200 हल्ला हो को 3.5 स्टार्स।